हाय बिंदास, कैसे हैं आप सब लोग। और ये जो वीडियो होने वाला है पार्ट टू, जो इस फेस्टिवल का पार्ट टू बनने वाला है, और इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर रोशनी कितनी ज्यादा अच्छी कर रखी है। और बलून्स भी जो आप देख रहे होंगे, बलून्स भी अभी इसको कुछ करेंगे ये इनके साथ, बलून्स के साथ। वो भी मैं सस्पेंस रखना चाहता हूँ। साथ में और भी एक्टिविटीज होने वाली हैं, पर सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि अभी इसको दुल्हन की तरह सजाया गया है इस फेस्टिवल में। तो चलते हैं सीधे वीडियो पर। बच्चों ने बलून्स आसमान की तरफ छोड़ करके इसका पूरी तरह से उद्घाटन किया है बच्चों के साथ। रंगोली बनाई गई है, टी लिखा हुआ है वीडियो में, मैंने आगे बताया टी लिखा हुआ है, टी यानी डूंगरपुर, और 2019 यानी कि 19 का आगाज होने वाला है इस फेस्टिवल से। और आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि
अभी न्यू ईयर भी है और मौसम भी ऐसा है कि आप इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। अभी हम यहाँ पर शूट कर रहे थे, यहाँ पर हमारे जो ब्रदर है वो फॉरेन में रहते हैं और यहाँ पर वो कोई बात नहीं, होता है ऐसा, बीच बीच में सड़क है तो आना जाना तो लगा ही रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप तो वीडियो पूरा देखिएगा। तो अभी अभी फॉरेन से आए और मिल गए मुझे, मैं काफ़ी टाइम से इनको याद भी कर रहा था और आज मिल गए और ऐसी जगह जहाँ पर मैं खुद इतना इंजॉय कर रहा हूँ। इस वीडियो में आपने देखा किस तरीके से सजाया हुआ था पूरा रिंग रोड इस फेस्टिवल में और इसका आगाज किस तरह से किया, पटाखे छोड़ करके आतिशबाजी करके और साथ में बच्चों को बलून्स दिए थे, जो बलून्स आसमान में छोड़े गए रंग बिरंगे बलून्स, और इसको पूरा करने के बाद इस फेस्टिवल का आगाज हुआ और जो सजाया था मैंने सारा आपको वीडियो में बताया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, आप मुझे फेसबुक पर भी बिंदास टशन के नाम से फॉलो कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शब्बा खैर। ये पार्ट टू था, अब पार्ट थ्री में बहुत जल्दी बनाने वाला हूँ, पर मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।